तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार है। मैं निखिल सिंह, टेरिटरी मैनेजर मंडी। आज पहुंचा हुआ हूं जम्मू के एरिया में, और यहां पे एक किसान भाई से मुलाकात हुई जो कि बरखा लगाते हैं, हमारी फूल गोभी बरखा। आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है बरखा के बारे में, और उनसे थोड़ी मुलाकात करते हैं। नमस्कार भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सराजदीन है। तो ये कौन सा गाँव है? ये चिंपेड़ी है सर। चिंपेड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। उधमपुर जम्मू। ठीक है, तो कितने सालों से खेती कर रहे हैं आप? सर को 30 साल हो गए खेती करते हुए। 30 साल हो गए आपको खेती करते हुए। और कॉलीफ्लावर आपने कब से लगाना स्टार्ट किया? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। उसमें ये जो हमारी बरखा वैरायटी है सेमिनिस की, ये आपने कब से लगानी स्टार्ट करी? जी 20 सालों से ला रहे हैं सर। 20 साल से लगा रहे हैं। बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। 20 साल से लगातार आप बरखा लगाते आ रहे हैं। तो क्या वजह है जो आपका विश्वास बना रहा है इस वैरायटी पे, और क्या अच्छा लगा आपको इस वैरायटी में? सर फूल भी ठीक होता है, 1.5-2 किलो का वजन होता है इसका। ठीक है, सबसे अच्छा है सर। 1.5-2 किलो वजन जाता है। ठीक है। और कलर कैसा आता है? कलर बिल्कुल सफेद आता है। बिल्कुल सफेद आता है। और ठोस कैसी है गोभी? ठोस है। बहुत ठोस है। अच्छा, मैंने देख रखा है आपने प्रोडक्ट पकड़ रखा है यहाँ पे हाथ में, और ये इसकी हाइट कितनी होगी? तकरीबन 2-2.5 फीट होगी। 1.5-2 फीट है ना। और इसकी कवरिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल कवर्ड है। अगर ऐसे भी दिखाएं तो बिल्कुल ढकी हुई है। तो चाहे एनवायरनमेंट का स्ट्रेस हो, चाहे कीड़ों का प्रकोप हो, उससे बचने के लिए काफ़ी कारगर है, और सफ़ेदी बनी रहती है। ठोस प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट है अभी भी, और बिल्कुल ठोस है। तो आप मुझे ये बताइए थोड़ा बीमारियों के बारे में, कि कोई बीमारी का सामना करना पड़ा आपको इस प्रोडक्ट में? हाँ सर, बीमारी तो लगती है। कौन कौन सी बीमारी लगती है? बस छोटे छोटे वो तेलिया लगता है इसको सर। तेलिया लगता है। वो कीड़ा भी लगता है, लंबे वाला कीड़ा लगता है। तो जनरल दवाई से ठीक हो जाता है? ठीक है। बाकी आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये कितने मार्केट में इसके बारे में क्या बोलते हैं अड़तिये है? सर ये जाता है अभी भाव काम है सर, 15-20 रुपये बिक रहा है सर। 15-20 रुपये बिक रहा है। ठीक है। और मार्केट में अड़ती है, इस वैरायटी को देख के पसंद करते हैं दूसरी वैरायटी से? सबसे अच्छा बिकता है सर। सबसे अच्छा यही बिकता है। तो गांव में यहाँ पे और भी किसान भाई यही वैरायटी लगाते हैं? हाँ ज्यादा यही लगाते हैं। ज्यादातर यही लगाते हैं, मतलब कामयाब प्रोडक्ट है और किसान को पूंजी दे के जा रहा है। चलिए ठीक है। कितने एरिया में आपने लगाई हुई है बरखा? इधर लगाई है सर 10 कनाल में। 10 कनाल में आपने बरखा ही लगाई हुई है। और एक कनाल में अमूमन कितने पैकेट लग जाते हैं? सर एक कनाल में 2 पैकेट लग जाते हैं। 2 पैकेट लग जाते हैं। तो चलिए, प्रोडक्शन कोई जर्मिनेशन वगैरह के बारे में बताइए। जर्मिनेशन अच्छा आता है जब आप पनीरी नर्सरी लगाते हैं? सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा इसी का ही है। और खेत में लगाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, फूल अच्छे आते हैं। फूल अच्छे आते हैं। तो ठीक है, ये थी इनकी राय। आप देख सकते हैं पूरे इस खेत को, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे पूरे खेत में बरखा लगी हुई है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए भाई जी, दोबारा आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।